दो दिन बाद हम सभी को आईपीएल 2022 का रिटेंशन देखने को मिलेगा। स्टार स्पोर्ट्स पे लाइव हम सभी को रिटेंशन देखने को मिलेगा। लेकिन गाइस आप सभी के मन में सवाल होगा कि ऑक्शन हम सभी को आईपीएल 2022 का मेगा ऑक्शन कब देखने को मिलेगा, इसका डेट क्या है, तो उसके रिगार्डिंग अपडेट निकल कर आ रही है, तो उसके बारे में आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। तो गाइस आज की वीडियो आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि मेगा ऑक्शन के डेट को लेकर सवाल है, तो वीडियो को आप लोग एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो पहले फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही में नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिएगा जिससे हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेंगी, उसको आप सबसे पहले देख पाएंगे। तो गाइस चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस हम बात करते हैं सबसे पहले गाइस यहाँ पे रिटेंशन के बारे में। रिटेंशन हम सभी को पूरी तरीके से खत्म होते हुए नजर आएगा 30 नवंबर को, जहाँ पे 8 टीमें यहाँ पे अपनी रिटेंशन अनाउंस करेगी। अगर हम लोग बात करें ऑलमोस्ट बहुत सारी ऐसी टीमें जिन्होंने अपना रिटेंशन का हिसाब पे अनाउंस कर दिया है, लाइक दिल्ली कैपिटल्स, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम, चेन्नई सुपर किंग की टीम, राजस्थान रॉयल्स की टीम, गाइस इन्होंने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है, बीसीसीआई को लिस्ट उन्होंने सबमिट कर दिया है। अब गाइस बात करते हैं दो नई आईपीएल टीमों के बारे में। अब जितने सारे खिलाड़ी का हिसाब पे रिलीज होंगे उन दो आईपीएल नई टीमों को गाइस उनको मौका मिलेगा कि उन जितने सारे रिलीज प्लेयर्स हैं उनमें से किसी तीन तीन खिलाड़ी को ये खरीद सकते हैं। जी हाँ, और उनका जो डेट है वो डेट है गाइस यहाँ पे 1 दिसंबर से लेके 25 दिसंबर तक उनके पास समय रहेगा, एंड उन कोई भी डेट में से गाइस वो लोग खिलाड़ी को खरीद सकते हैं। इन 25 में से कोई भी डेट में वो लोग खिलाड़ी को खरीद सकते हैं। जितने सारे खिलाड़ी रिलीज हुए हैं उनमें से वो खरीद सकते हैं दो नई आईपीएल टीमें। अब जैसे वो लोग खरीद लेंगे उसके बाद गाइस यहाँ पे मेगा ऑक्शन का प्रिपरेशन स्टार्ट होगा, जहाँ पे बीसीसीआई ने ये बताया कि जैसे ये प्रोसेस जो कि कंप्लीट हो जाएगा रिटेंशन, एंड उसके बाद जैसे दो नई आईपीएल टीमें अपने अपने खिलाड़ी को खरीद लेगी, उसके बाद गाइस यहाँ पे कैटेगरी हिसाब से गाइस यहाँ पे लिस्ट बनेगा खिलाड़ी का, एंड कि कौन से बजट में कौन से खिलाड़ी जाएंगे, जितने सारे प्राइस होंगे वो सब कुछ यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा, जिसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। एंड उसके बाद गाइस यहाँ पे 10 से 12 दिन बाद ही गाइस आप सभी को मेगा ऑक्शन देखने को मिल जाएगा, क्योंकि गाइस हमेशा से देखते हुए हम लोग आए हैं कि यहाँ पे रिटेंशन अनाउंस होने के बाद हम सभी को एक महीने के अंदर ही हम सभी को देखने को मिल जाता है मेगा ऑक्शन, या फिर ऑक्शन की बात करें, मेगा ऑक्शन की बात करें या फिर छोटा मिनी ऑक्शन की बात करें, तो हम सभी को एक महीने के बाद ही नजर आ जाता है। लेकिन गाइस इस पर भी आप सभी को सेम चीज नजर आएगी, इस पर थोड़ा लेट हो सकता है क्योंकि दो नई आईपीएल टीमें आ रही है आईपीएल 2022 में। तो जैसे गाइस यहाँ पे प्री ऑक्शन की बात करें, प्री ऑक्शन गाइस हम सभी को समाप्त होते हुए नजर आएगा 25 दिसंबर को, एंड 25 दिसंबर को जैसे वो सब कुछ खत्म हो जाएगा उसके बाद हम सभी को मेगा ऑक्शन देखने को मिलेगा। जो डेट निकल कर आ रही है वो निकल कर आ रही है 5 जनवरी या फिर गाइस आप सभी को 7 जनवरी को आप सभी को देखने को मिलेगा, क्योंकि पहले हम सभी को मेगा ऑक्शन दिसंबर के महीने में देखने को मिलता था, लेकिन इस पर गाइस यहाँ पे थोड़ा सा लेट हो रही है। उसका रीजन सबको पता है, दो नई आईपीएल टीमें आ रही है, एंड हाल ही में गाइस आईपीएल खत्म हुआ, वर्ल्ड कप खत्म हुआ, इस वजह से इतना लेट हो रहा है। बट गाइस हम सभी को इस पर ऑक्शन देखने को मिलेगा जनवरी के महीने में, एंड जनवरी के महीने में गाइस आप सभी को मेगा ऑक्शन देखने को मिलेगा, एंड वो जो डेट निकल कर आ रही है वो 5 जनवरी या फिर 7 जनवरी, जिन इन दोनों में से किसी एक डेट में आप सभी को मेगा ऑक्शन देखने को मिलेगा। एंड इस बार ऑक्शन गाइस यहाँ पे लगातार 3 दिन चलेंगे, एंड 3 दिन चलने के बाद गाइस 1-1 घंटा एक्स्ट्रा गाइस आप सभी को ऑक्शन देखने को मिलेगा, यानी कि रात 7-8 बजे तक भी आप सभी को मेगा ऑक्शन देखने को मिल सकता है, जो अपडेट निकल कर आ रही है बीसीसीआई की तरफ से। तो गाइस इस बार ऑक्शन में काफी ज्यादा मजा आने वाला है क्योंकि दो नई आईपीएल टीमें आ रही है, तो बहुत ही बड़े बड़े खिलाड़ी आप सभी को ऑक्शन में नजर आएंगे, एंड टीमें खिलाड़ी खरीदेगी वो सब भी बहुत ही मजा आएगा। तो गाइस आप लोग कितना ज़्यादा एक्साइटेड है मेगा ऑक्शन को लेके, तो नीचे कमेंट सेक्शन में जाके आप लोग अपना अपना ओपिनियन ज़रूर बताइएगा। तो गाइस अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।